नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत जगत में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह अन्ना हजारे आंदोलन के संयोजक थे और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के मेडिकल सेल के उपाध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि अनिल कुमार रामाकृष्ण मिशन में 4 साल तक सेवाएं दे चुके हैं, साथ ही मदर टेरेसा संस्थान में भी 4 साल तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। आपको बता दें कि हर रविवार को अनिल कुमार सिंह फ्री में दांतों का इलाज करते हैं, जिसमें भारी संख्या में गरीब अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक 500 से ज्यादा फ्री मेडिकल कैंप भी लगा चुके हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। दंत रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो ऐसे में दांतों का खूबसूरत और स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए, तो दांतों को सुरक्षित कैसे रखा जाए? दांतों को सुरक्षित रखने के लिए आप दो बार ब्रश करें सुबह उठने के बाद और रात में खाने के बाद सोने से पहले। दांतों को सेहत के लिए हरे पत्ते वाले सब्जियाँ खाएँ और जेल पेस्ट का यूज ज़्यादा करें। हम लोग पाउडर पेस्ट का यूज करते हैं, उससे दांतों में अट्रिशन ज़्यादा होता है, घिसता है दांत और दांतों में सेंसिटिविटी होती है उसके कारण। तो क्या मानसिक तनाव भी दांतों को प्रभावित करता है? जी, मानसिक तनाव से दांत घिसते हैं। जैसे हम किसी मानसिक तनाव में दांतों पे दांत पर दांत डाल के गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, उससे दांत घिसते हैं, वेयर आउट होते हैं, जिससे कि दांतों का सरफेस जो है, इनामेल जो है, वो झड़ता है और बाद में उसमें सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है। ठंडा गर्म की आपने बात की है, तो अब अधिकतर जो समस्या देखी जाती है दांतों में वो सबसे ज़्यादा है पायरिया। तो पायरिया क्या है और इसके कारण क्या है? पायरिया है मसूड़ों के, पायरिया शब्द नहीं होता है, पेरियोडोंटाइटिस होता है। पेरियो मीन्स दांतों के इर्द गिर्द वाले मसूड़े का, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको उसको अच्छे से रखने के लिए उसको एक बार स्केलिंग कराएं, उसको सफाई का ध्यान रखें और उसको ब्रशिंग करें, माउथ वाश का यूज करें, इससे पायरिया की बीमारी दूर हो सकती है। छोटे बच्चों में जब दांत पहली बार निकलते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो ब्रशिंग के बारे में हम लोग मोटिवेट करते हैं, ब्रशिंग के बारे में बताते हैं। अभी बहुत सारे मार्केट में ऐसी छोटे छोटे बेबी ब्रशेस आ गए हैं, उससे ब्रश करने के लिए बताते हैं। बेबी का एक किड पेस्ट आता है, उससे बच्चे उसमें मीठापन है, चॉकलेट जैसा फ्लेवर है, इससे बच्चे करते हैं। यदि बच्चे दांतों की सफाई ब्रश से नहीं कर पाते हैं तो कपड़े भिंगाकर और ऊपर से दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे कि उसे कोई कैलकुलस या प्लग या बायोफिल्म नहीं बने, दांत अच्छे रहें, इसके लिए ऐसे ऐसे उपाय करना चाहिए। क्या दांतों के टेढ़ेपन को भी ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, उसके लिए स्पेशलिटी हो चुका है, अब बहुत पहले से है ऑर्थोडोंसिया। उसमें ब्रेसेस लगा देते हैं सारे दांतों में और उसका इलाज थोड़ा लंबे समय तक होता है, 1 वर्षों तक होता है, इसके बाद वो दांत हमेशा के लिए सीधा हो जाता है। दांतों में सड़न का क्या कारण होता है सर? अभी सड़न का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है कैरियस, माने कीड़ा लगना बोलते हैं। कीड़ा लग जाता है दांतों में ज़्यादा मीठा चीज़ खाने से, बच्चों में ज़्यादा चॉकलेट खाने से लगता है। इसको खाने के, मीठे खाने के बाद तुरंत मुंह धो लेना अच्छा होता है, सेहत के लिए भी, दांतों के सेहत के लिए। मीठा जब भी कोई खाए उसको ब्रश कर ले या मुँह धो ले तो कीड़ा लगने का संभावना कम होता है। दांतों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आप पहले तो ब्रशिंग टेक्निक अच्छा रखना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक में आप मसूड़ों पे दबाव देकर ब्रश ना करें, दांतों के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऑक्लूसल सरफेस पे दांत की सफाई करें और 2 बार सफाई करें। जेल पेस्ट का यूज करें और विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। हरी पत्तीदार सब्जियाँ खाएँ, सलाद खाएँ, ये सब खाने से दांत के और मसूड़े दोनों की बीमारी से दूर रहा जा सकता है। दांतों का में पीलापन की समस्या भी देखी जाती है, तो दांतों का पीला होने के पीछे क्या कारण? पीला होने के पीछे बायोफिल्म, जो बता रहा था मैं एक शब्द, बायोफिल्म से कैलकुलस का फॉर्मेशन होता है, प्लग बन जाता है, तो इसके चलते कलर उसका चेंज होने लगता है और वो पीलापन की तरफ बढ़ने लगता है। उसके लिए दांतों का अल्ट्रासोनिक स्केलिंग और हैंड स्केलिंग कराकर सफाई कराना चाहिए, पॉलिशिंग कराना चाहिए। अब तो ब्लीचिंग भी होता है, बहुत पहले से ब्लीचिंग कराने से दांतों को पीलापन से दूर किया, दूर हुआ जा सकता है या दूर किया जा सकता है।
दांतों को मजबूत और सुंदर और चमकीला साफ बनाने के लिए, सफ़ेद बनाने के लिए खान पान किस हद तक उसके अंदर अपनी भूमिका निभाता है, क्या खान पान रखना चाहिए? प्रमुखता हम लोग विटामिन सी का प्रयोग करें, प्रोटीन ज़्यादा लें और सलाद का यूज ज़्यादा करें, फल फ्रूट्स जो हैं उसको लें, तो उससे ये दांतों और मसूड़ों दोनों को फ़ायदे पहुँचाते हैं और दांत ठीक रहते हैं। और जो भी दांतों का है 6 महीने में एक बार कम से कम जरूर एक डेंटिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं, उससे पता चल सके कि आपके दांतों में कोई बीमारी है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जा सके। क्या पानी भी दांतों को गंदा करने में कुछ अपनी भूमिका अदा करता है? हाँ जी, पानी का भी है। पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस हो जाता है, जिस चौकी वाइट, किसी किसी का दांत बहुत उजला दिखता है, तो इसका कारण प्रमुख यही होता है कि पानों में फ्लोरोसिस का जो वैल्यू होता है, जो काउंट होता है, ज़्यादा हो जाने से वो ख़राब हो जाते हैं और दांत भद्दे दिखने लगते हैं। एक सवाल और सर, अधिकतर जैसे आपने कहा कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगने के बाद दांतों को निकाल दिया जाता है बाहर और वहाँ पर फिर एक कैप नाम की एक चीज़ जो है वो डाली जाती है, तो लोगों को किस तरह की कैप लगवानी चाहिए? कैप की बात जहाँ तक है तो दांतों में कीड़ा लगने के बाद यदि कीड़ा ज़्यादा दूर तक एक्सटेंशन हो गया, उसका पल्प तक अंदर तक गहरे तक चला गया है, तो अब एक रूट कैनाल सिस्टम ट्रीटमेंट है RCT करके उसमें, और उसको ऊपर से कैप लगा, मेटल सेरेमिक कैप हम लोग जनरली लगाते हैं, जैसा इकोनॉमिक बेस पे उसको रखा गया है, जैसे जो पैसे खर्च कर सकते हैं। जिरकोनिया है, जिरकोनिया मींस मेटल फ्री, उसमें केवल दांतों का ही मटेरियल का यूज किया जाता है, वो लगाया जाता है, उससे उसका वो वेट लाइट वेटेड होता है और वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो किस तरह के कॉलगेट का और ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए दांतों के? ऐसा हमेशा आप हर 3 मंथ्स में बदलते रहें, सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें। सेंटिम कंपनी है, बहुत सारे कंपनियां ओरल भी हैं, वो सब बना रही हैं अभी, जो कि सॉफ्ट ब्रश बना रही हैं। सॉफ्ट ब्रश को आप करने से दांतों के इनामेल पे कम असर पड़ता है और सफाई ज़्यादा होता है। और पेस्ट का जहाँ तक सवाल है, कोई भी जेल पेस्ट यूज करें, अभी तो बहुत सारे मार्केट में जेल पेस्ट हैं, कोलगेट जेल है, ओरल बी जेल है, बाबा का, रामदेव बाबा का, पतंजलि का है आपका पेस्ट आया है, और एक श्री श्री का है, सुदंता है, बहुत सारे पेस्ट, जेल पेस्ट अभी आ चुके हैं बाज़ार में, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जेल पेस्ट मुख्यतः इसलिए किया जाता है कि फ्रिक्शनल लेस होता है, मान उससे घर्षण दांतों पे कम होता है, इसके लिए हम लोग जेल पेस्ट का यूज करते हैं। अस्वस्थ दांतों की क्या पहचान है और दांतों का समय से पहले टूट जाना क्या कारण है? अस्वस्थ दांतों का पहचान है दांतों से, मुंह से बदबू, गंदा स्मेल आना, जिसको हैलिटोसिस कहते हैं। और दांत समय से पहले इसलिए टूट जाते हैं कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे कीड़ा लगा उसका इलाज नहीं आप कराए तो दांत समय से पहले टूट जाएगा, उसको बचाना है आपको। जो भी परमानेंट टीथ है उसमें बहुत सारे समस्याएं हैं, जो जैसे कैरियस हो जाना या फिर मसूड़ों का कोई बीमारी हो, पेशेंट को कभी कभी डायबिटीज़ के पेशेंट को दांत बहुत ज़्यादा फॉल आउट जल्दी हो जाता है, इसलिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बोन लॉस ज़्यादा होता है, तेज़ी से बोन लॉस होने के कारण मसूड़े के बोन जो है लॉस होते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे दांत मोबिलिटी दांतों में आ जाती है और दांत गिरने लगता है। जिंजिवाइटिस नाम का एक संक्रमण होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जिंजिवाइटिस में मुख्यतः जिंजीवा मीन्स मसूड़ा में इन्फ्लामेशन हो जाना, मीन्स कि इन्फेक्शन हो जाना, तो इसके लिए हम लोग वो प्रोसेस बताया था मैंने कि वो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, हैंड स्केलिंग भी, या फिर किसी आप स्पेशलिटी अब है पेरियोडोंसिया के लोग हैं, पेरियोडोंटिक्स हैं, उनसे कंसल्ट करके आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे वो उससे आप ठीक हो सकते हैं, इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आप दिल्ली सरकार में मेडिकल सेल के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार मेडिकल के क्षेत्र में क्या काम कर रही है? दिल्ली सरकार अभी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारा सराहनीय काम कर रही है। सबसे अच्छा तो मेरे को लगा मोहल्ला क्लिनिक का काम, मैं खुद बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक में जा चुका हूँ और मोहल्ला क्लिनिक में गरीब लोगों को सही कम मूल्य से दवा फ्री मिल रहे हैं, इलाज हो रहे हैं, सारे डॉक्टर्स बैठे हैं और सारे मेडिकल जो सरकारी अस्पताल हैं उसका सफाई का व्यवस्था, जितने एडमिनिस्ट्रेशन हैं, बेड, बहुत सारे हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, बहुत सारा ऐसा सिस्टम है कि जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक अपने
बाहर के हैं जो आके दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं, उनके बच्चे को सर में चोट लगा था तो वो मेरे पास आए थे, तो उनको मैंने दीनदयाल हॉस्पिटल में भेज दिया था। इसके बाद उनका MRI और CT स्कैन का बहुत ज़्यादा खर्चा रहा था, वहाँ पे मशीन ख़राब थी, तो प्रॉपर बजाबते उन्होंने जो मैंने मेरे को बताया कि उनके साथ में और 15-20 लोगों को दिल्ली सरकार स्पेशली गाड़ी भेज के और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से MRI और उनका सारा ट्रीटमेंट जो जो ज़रूरी था, रेडियो जो लैब का टेस्ट वो करा के वापस गाड़ी में बैठा के घर तक छोड़ा। बाद में रिपोर्ट भी घर पे उनको डॉक्टर से दिखा के घर पे गाड़ी से छोड़ा गया। तो इस प्रयास को मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार इतना अच्छा सरकार देखा जो इतना ज़्यादा गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए काम कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा बात है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। तो बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और मजबूत दांत इंसान की खूबसूरती बढ़ा देते हैं और ऐसे में दांतों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर अनिल कुमार के बताई गई बातों पर आप अमल कीजिए और अपने दांतों को स्वस्थ बनाइए। मेरे साथ सेहत जगत में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए नेशन लाइव IPTV को सब्सक्राइब करें।